नलियों की पेटी पर बहू ने मां को जिंदा जलाया। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेटे ने अपनी मां को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। महिला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मां और बेटे में मकान के बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद होता था। छोटे भाई ने अपने आरोपी बड़े भाई सहित उसके ससुराली जनों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने छोटे बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है। घटना जलालाबाद थाना क्षेत्र के नौसारा मोहल्ले की है, जहां रहने वाली 58 साल की रत्न देवी का अपने बेटे आकाश गुप्ता से मकान की बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। मृतक रत्ना के पति की लगभग 20 वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी भी रचना के ही कंधों पर थी। बड़े बेटे के चाल चलन सही न होने के कारण मां ने शादी के बाद उसे अलग कर दिया था। बड़े बेटे आकाश पर फिरोजाबाद सहित कई थानों में मुकदमे दर्ज हुए, जिसके कारण मां ने बेटे से दूरी बना ली। इसी दौरान बड़े बेटे आकाश ने अपनी विवाहिता को छोड़कर दूसरी शादी गोरखपुर के महाराजगंज की एक महिला के साथ कर ली, जिसमें मां की कोई रजामंदी नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान बाहर से वापस आए बड़े बेटे ने दोबारा मां पर मकान बेचकर पैसे देने का दबाव बनाया, जिसको लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। रविवार को मकान के बंटवारे को लेकर मां और बेटे के बीच कुछ लोगों की मौजूदगी में पंचायत भी हुई और पंचायत में समझौता करा दिया, लेकिन बेटा और बहू उस समय घर चले आए। एक घंटे बाद फिर अपनी मां रत्न देवी के ऊपर बहू और बेटी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगाने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। क्या नाम है? क्या हुआ? कैसे लगा ली? किन्ने लगाई अम्मा? किन्ने लगाई? लड़के ने? लड़के के ससुराल वालों ने। अच्छा, लड़के का क्या नाम है आपके? आकाश। और किसने किसने क्यों लगाई आग? अम्मा, अच्छा पंचायत हुई तो अच्छा, रात में आग लगा ली। तो ये बताओ आकाश, क्या तुम्हारे यहाँ रहता है? घर में रहता है? तो कल कै बजे आग लगाई? अच्छा, क्या डाला उसने? अच्छा, मिट्टी का तेल घटिया मिला। उसके साथ और कौन कौन था? ससुर, क्या नाम था उसका? अच्छा। और कौन था? मैया ससुर विनोद। बीबी का क्या नाम है? दीपशिखा। अच्छा, तो बेटे ने आग लगा ली। तो बेटा क्यों आग लगा रही? क्या ऐसी क्या बात हो गई थी आपसे जो उन्होंने आग लगाई आपके? परों के खाए हुए। अच्छा अच्छा, हम खिलवाएंगे खाना तुम्हें। अच्छा, ये चाहता था सब हमें मिल जाए। क्या क्या हमें मिल जाए? मकान हमें मिल जाए, इसलिए वो आए दिन झगड़ा करता होगा। आपस में मकान के ऊपर ही होती लड़ाई, हिस्सा बंटवारा। जोर से हिस्सा बंटवारा किससे होती? किससे होती थी? बड़े वाले ही में आपस में होती थी। हम तो यहाँ पर रहते नहीं, जो हम आपको बताएं। क्या नाम है बड़े वाले? उससे आए दिन विवाद होता था? हाँ, होती रहती थी। लोग मतलब कि मार तो तोड़ दे तो हम नहीं रखेंगे, मतलब कुछ भी सही हमारे पास नहीं है। कमा हम कहाँ से लाएं? अपने कमाओ खाओ रहो। ये मकान लेने के लिए करता हो? कुछ भी अपने कर दो, मतलब हम नहीं सोच सकते। माँ ने आपको बताया होगा कि क्यों सताता था ये? माँ ने बताया होगा क्यों सताता था? बंटवारा के पीछे, मतलब मकान बेचो हमें हिस्सा दे दो हम चले। ये प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आया है। ये बताया जा रहा है कि इनका परिवार में दोनों भाइयों के मध्य कुछ विवाद शुरू से चल रहा था। उसमें कल कुछ पंचायत भी हुई थी। जो बड़ा वाला बेटा है, जिस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके द्वारा अपनी माता को इमोलेट कर दिया गया है, तो उसमें कल कुछ पंचायत में कुछ चीज़ें तय भी शायद हुई, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसमें इनके छोटे भाई ने एक तहरीर दी है थाने पर। सीओ साहब स्वयं मौके पे हैं और वो इसकी जांच कर रहे हैं, और जो सही कार्रवाई होगी बिल्कुल विधिक कार्रवाई की जाएगी इसमें।